हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं पलामू मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल ब्लॉगिंग करने वाला हूं। और आज के इस ब्लॉगिंग से सिर्फ पलामू मेडिकल कॉलेज का ही हॉस्टल नहीं बल्कि हजारीबाग एंड दुमका मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल भी कवर हो जाएगा, क्योंकि तीनों न्यू मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, दुमका एंड पलामू एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी है। यानी ये तीनों मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक बिल्डिंग से लेकर हॉस्टल तक, यहाँ तक कि हॉस्टल रूम का दरवाज़ा भी आपको सेम कंपनी का मिलेगा। फ्रेंड्स, तीनों जगह सब कुछ सिमिलर होने के वजह से मैं सिर्फ एक जगह के हॉस्टल यानी पलामू मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को कवर करता हूँ। आप लोगों को तीनों हॉस्टल को मानकर चलना है, क्योंकि तीनों जगह बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, इसलिए तीनों का अलग अलग वीडियो बनाने से कोई खास फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को हॉस्टल का व्यू बाहर से दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को हॉस्टल के अंदर ले चलेंगे और हॉस्टल का रूम से लेकर टॉयलेट तक का सभी फैसिलिटीज एक एक करके दिखाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हॉस्टल का बाहरी व्यू दिखाने के लिए मैं कॉलेज कैंपस के प्लेग्राउंड में आ चुका हूं। और जैसा कि यहां पे आप लोग ये 2 8 मंजिला बिल्डिंग को देख पा रहे हैं, ये लेफ्ट साइड वाला बिल्डिंग बॉयज हॉस्टल का बिल्डिंग है और इसी के जस्ट बगल में राइट साइड वाला बिल्डिंग गर्ल्स हॉस्टल का बिल्डिंग है और इधर वाले बिल्डिंग में इस कॉलेज का प्रोफेसर लोग रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सेम ये सब बिल्डिंग्स आपको हजारीबाग और दुमका मेडिकल कॉलेज में भी देखने को मिल जाएगा। फर्क इतना है कि हजारीबाग में बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल का बिल्डिंग एक दूसरे के अपोजिट साइड में बनाया गया है, बाकी आपको सब कुछ सिमिलर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह का शानदार हॉस्टल अभी आपको झारखंड के तीन ही मेडिकल कॉलेज में देखने को मिलेगा और यही हॉस्टल के व्यू की वजह से कैंपस का व्यू और भी देखने लायक हो जाता है। मानो जैसे कैंपस अपने आप में एक मिनी सिटी का रूप ले लिया हो। इतना ही नहीं, इस तरह का शानदार हॉस्टल आपको इंडिया में कुछ ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल सकता है, इसलिए इन तीनों हॉस्टल का कंपैरिजन एम्स के हॉस्टल से करने में कोई शक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हॉस्टल का बाहरी व्यू। हॉस्टल का अंदर का व्यू दिखाने के लिए चलिए मैं आप लोगों को सीधे हॉस्टल के अंदर ले चलता हूँ और जो भी कॉलेज के तरफ से फैसिलिटीज दिया गया है उसको एक एक करके दिखाता हूँ। और हाँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हॉस्टल का फैसिलिटीज सेम है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो चलिए अब हॉस्टल के अंदर ले चलते हैं। अभी मैं आप लोगों को हॉस्टल का रूम दिखाने के लिए ले चलूंगा 7th फ्लोर। तो 7th फ्लोर चलने से पहले चलिए मैं आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर की कुछ जानकारी दे देता हूं। जैसे मैं कि हॉस्टल का मेस ग्राउंड फ्लोर में ही है, यानी सभी को जनरली खाना खाने के लिए यही ग्राउंड फ्लोर में आना होता है। हालांकि मेस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब आप लोग इस वीडियो में 100+ लाइक करेंगे। सेकेंड की ग्राउंड फ्लोर से 8th फ्लोर तक आने जाने के लिए 3 तरफ से सीढ़ी बनाया गया है। 2 सीढ़ी कॉरिडोर के 2 अंतिम साइड में है और 3रा सीढ़ी हॉस्टल मेन गेट के जस्ट आगे में है, जहां पर अभी मैं खड़ा हूं। फ्रेंड्स, 3 सीढ़ी के अलावे ग्राउंड फ्लोर से 8th फ्लोर तक आने जाने के लिए 2 लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये लिफ्ट पिछले करीब 4 महीना से बंद पड़ा है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि 24 बैच आने से पहले इस लिफ्ट को ठीक कर दिया जाएगा। फिलहाल तो सीढ़ी के थ्रू ही आना जाना हो रहा है और मुझे अभी भी सीढ़ी के थ्रू ही 7th फ्लोर जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। तो
से फाइनली मैं 7th फ्लोर पे पहुंच चुका हूं और एनर्जी भी काफ़ी मेरा लॉस हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरा ब्लॉग दिखाकर ही इस वीडियो को एंड करूंगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं अगला ब्लॉग आप लोगों को दिखा सकूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए एक बार मैं 7th फ्लोर से बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं सीधा आप लोगों को रूम ले चलूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हॉस्टल के पीछे साइड देखेंगे तो आपको कॉलेज का हॉस्पिटल वाला एरिया दिखेगा। वहीं यदि आप हॉस्टल के फ्रंट साइड में देखेंगे तो यहां से आपको कैंपस का ग्राउंड और एकेडमिक बिल्डिंग दिखेगा। तो कुल मिलाकर आप लोग हॉस्टल से दोनों साइड का लुक तो उठा सकते हैं। और हाँ, जब हॉस्पिटल रनिंग में हो जाएगा तो उस टाइम इसका बात ही कुछ और रहेगा। तो चलिए फिलहाल अब मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं रूम के अंदर आ चुका हूं और जैसा कि आप लोग इस रूम को देख पा रहे हैं, रूम की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। यानी ऐसा प्रीमियर क्वालिटी का रूम जनरली आपको हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेज के अलावे एम्स में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी मेडिकल कॉलेज में ऐसा क्वालिटी का रूम जनरली नहीं मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि रूम अलॉटमेंट के टाइम कॉलेज की तरफ से एक रूम में क्या क्या दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि फर्स्ट ईयर में सभी को डबल बेड ऑक्यूपेंसी वाला रूम अलॉट किया जाता है, यानी एक रूम में दो कैंडिडेट्स को अलॉट किया जाता है, इसलिए एक रूम में कबर्ड को छोड़कर सब कुछ डबल डबल मिलता है, जैसे दो बेड, दो मैट्रस, जिस पर सोने में मजा ही कुछ और है। इसके अलावे दो स्टडी टेबल और चेयर, दो ट्यूबलाइट, एक राउंड लाइट, एक पंखा और एक कबर्ड दिया जाता है। इसके अलावे आप चाहे तो अपने रूम में एसी और कूलर भी अपने पैसे से लगवा सकते हैं, इसके लिए अलग से बिजली बिल का चार्ज नहीं देना पड़ता है। बाकी एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जितना कुछ एक रूम में दिया जाता है वो इनफ है, बाकी आप चाहे तो अपने रूम को और भी सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया रूम के बारे में। और हाँ, सभी रूम से अटैच एक बालकनी भी दिया गया है, इसका उपयोग आप कपड़ा सुखाने में और अपने रूममेट को डिस्टर्ब किए बिना इधर बैठकर मीठी मीठी बातें करने के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट रूम। तो अब मैं आप लोगों को वॉशरूम की ओर ले चलता हूँ।